जब आप एक कोला का एक कैन खरीदते हैं तो आपको लगता है कि आप $1,000 खो देते हैं, क्योंकि सिर्फ $1 में आपको इतना ही मिल सकता है। मैंने ऐसे ही स्ट्रैटेजी पर कड़ी मेहनत की है जो इस तरह की रिजल्ट देती है, और आज मैं आपको अपनी मेहनत का फल दिखाऊंगी। ये स्ट्रैटेजी डिफरेंटली होती है सिमिलर ग्रोथ स्ट्रैटेजी से। आपने शायद पहले भी इस तरह की वीडियो देखी होगी, लेकिन क्या आपने उन्हें देखने के बाद कभी भी कोई भी पैसे कमाए हैं? अगर नहीं, तो इसका मतलब है कि आपको चीज़ें क्लियर वे में नहीं पता है और नहीं समझ में आई है। तो अगर आप मुझे अभी तक नहीं जानते हो तो मेरा नाम लतिका है। मैं अपना बेस्ट वे आपको एक्सप्लेन करूंगी सभी चीज़ें में, जितना ज़्यादा सिंपल और पॉसिबल हो सके उतना मैं आपको समझाऊंगी, सो दैट आप इजीली रेप्लिकेट कर सके इस सेशन को और प्रॉफिट बना सके। तो चलिए अब हम सेटअप करेंगे अपना कूलेस्ट इंडिकेटर, जो कि अभी तक का सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। हमारे पास सभी इंडिकेटर है इस बटन में, तो चलिए हम आज यूज़ करेंगे RSI इंडिकेटर, और इसे हमारा अच्छा ट्रेडिंग हो सकता है, क्योंकि ये बहुत एनालाइजिंग चार्ट में अच्छा काम करता है और हम इससे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पेंसिल है इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं इस पैरामीटर से। फॉर एग्जांपल, ये जो पीरियड है इसको हम बस यहाँ पे छोड़ सकते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ, जैसा कि ऐसा है, जैसा दिख रहा है। और इस पीरियड में हम स्मूथली चल सकते हैं, इस लाइन मूवमेंट पे देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो कलर है और ये जो बॉर्डर सेटिंग है, ये बॉटम में, मिडिल में और फिर टॉप में भी, ये जो ये सेकेंड टैब है यहाँ पर हम जाएंगे, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हमें बस अपना पुट करना है लिमिट 75 और उसके बॉटम में हमें करना है 25। ये बहुत ज़्यादा प्रिटी मच हम लोग के लिए कंफर्टेबल है। तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा और कूल इंडिकेटर है जो हमें हेल्प करेगा आज एक्सेलरेट करने के लिए अपना डिपॉजिट $1 से। तो चलिए हम देखते हैं और ढूंढते हैं अपना सही सिचुएशन और इंटर करते हैं अपने ट्रेड को। बट हमें ये भी नहीं करना है कि बस हम इसे ही यूज़ करेंगे, बस इस इंडिकेटर को, हमें अपने कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देखना है अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, मैं देख रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ग्रेट सिचुएशन है, यहाँ मैं इंटर कर सकती हूँ अपने ट्रेड को। मैं यहाँ पे ओपन करूँगी अपने डील को इस केस में ऊपर के साइड में। तो चलिए हम वेट करते हैं और रुकते हैं कि ये खुद से खुद अपने आप काम करें। ऑलराइट, तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रॉफिट हो चुका है और देख रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा अपना जो बैलेंस है वो हो गया है $2 से ऊपर। तो चलिए अपने अमाउंट को चेंज करेंगे अपने डील के अकॉर्डिंग, और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ से ओपन क्यों की अपने प्रमोशंस को। ये जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसके अकॉर्डिंग अपना ये जो सुपर कूल इंडिकेटर है, हम उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जो लाइन है वो रिजर्व जा रहा है, मतलब ये अपने लोएस्ट बाउंड्री पे नहीं जा रहा है, ये ऊपर जाएगा। इसीलिए हमने अपने डील को यहाँ पे ओपन किया सेम डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो चार्ट मूवमेंट देख रहे हैं वो भी उसी के बेसिस पे है। हम देख सकते हैं और देखते हैं और नोट भी करते हैं कि हमारे पास अच्छा गुड सपोर्ट लेवल मिल रहा है। इधर से हम अपने प्राइस को ऊपर की तरफ देख रहे हैं इसके मूवमेंट को, और हम देखते हैं कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट सिचुएशन है अपने नेक्स्ट करेंसी पे, अपने नेक्स्ट प्रॉफिट के लिए। तो दोस्तों, जो जैसा कि हम देख रहे हैं कि मैंने यहाँ से ओपन किया था ऊपर की साइड से, और मेरे पास बहुत अच्छा सिचुएशन है जैसा कि मैं अभी देख रही हूँ। ये बहुत एपिक सिचुएशन है दोस्तों। देखिए, मेरे पास दो कंफर्मिंग फैक्टर है जहाँ पे ओपन हो रहा अपना ट्रेड ऊपर के साइड से। तो पहली बात तो ये है, यहाँ पे जो कैंडल स्टिक है वो रिवर्सल पैटर्न में आ रहा है, और हम देख रहे हैं जो अपना प्राइस मूवमेंट है वो एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, जो अपना RSI इंडिकेटर है ये भी इस लाइन में अपना ओपन करने डील को, जो कि वो ऊपर की तरफ रैपिडली जा रहा है। सो हम यहाँ पे ओपन करेंगे ऊपर के साइड से, और हमें चेंज करना है अपना ट्रेडिंग अमाउंट और कंटिन्यू करना है अपने सुटेबल करेंसी पेयर को ढूंढना। तो दोस्तों, क्या आपको सभी चीज़ क्लियर है? आप सभी को, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करूँगी, डेफिनेटली करूँगी। तो प्लीज़ हेजिटेट ना करें और टेक्स्ट करें, मैं आपका यहाँ हेल्प करने के लिए हूँ। अचीवमेंट करिए रिजल्ट में, ट्रेडिंग में।
इसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मोस्ट एक्सेसिबल और प्रॉफिटेबल रियल टाइम स्ट्रैटेजी शेयर करती हूँ। मैं अपने साथ प्रॉफिट कमा सकती हूँ, आपके साथ मतलब हम दोनों साथ में कमा सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी करनी है आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड को। या आपको साउंड अच्छा ही कर रहा होगा तो प्लीज़ जाइए लिंक पे क्लिक करिए जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है और ज्वाइन करिए मेरे टेलीग्राम बोट को। और प्लीज़ चिंता मत करिए, बहुत सिंपल है और ये यूज़र फ्रेंडली है। मैं आपको फ्री में एक्सेस देती हूँ अपने चैनल पर। प्लीज़ प्रिसाइजली ट्रेडिंग कीजिए और ये सिग्नल जो होते हैं वो लाइव सेशन में होते हैं। तो इन सेशन में मैं और मेरे सब्सक्राइबर थाउजेंड ऑफ डॉलर बनाते हैं एक सेशन में। मैं बस टेक्निकल साइड और ट्रेडिंग नहीं सिखाती, मैं दिखाती हूँ कि कैसे आप मैनेज कर सकते हैं अपने इमोशंस को और फोकस रहते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं खुद पर और ग्रेटर वेल्थ के लिए भी। तो मेरे चैनल ओपन है सभी के लिए जो ढूंढ रहे हैं न्यू वेव पैसे कमाने के लिए एंड ग्रोथ करने के लिए ट्रेडिंग में। मैं आप सभी को सब्सक्राइबर को बोलूँगी और मैं सपोर्ट करती हूँ सभी को कि हम साथ में बैठ के अच्छे तरीके से अचीवमेंट कर सकते हैं, टॉप सक्सेस कर सकते हैं ट्रेडर में। क्या आप हमारे साथ हैं? तो चलिए सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारे पास अनकन्वेंशनल सिचुएशन है, तो हमें यहाँ पे ओपन नहीं करना है ट्रेड को अपने। यहाँ पे हम वेट करेंगे, बट जब देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे रिवर्सल सिचुएशन में है तो चलिए हम ओपन करते हैं इसको नीचे की तरफ और देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। बहुत खूब दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे ऑलरेडी अपना दूसरा प्रॉफिट ले लिया है। ये जो RSI इंडिकेटर है हमें दिखाता है कि लाइन रैपिडली ये नीचे जाएगा। तो देखिए ये कैसे अपने आप काम कर रहा है। हमने ऑलरेडी अपने बैलेंस में $8 ले रखा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और जब प्राइस देखते हैं ये रिवर्सल पॉइंट में है और हम देखते हैं इस पैटर्न को भी, तो उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो प्राइस है वो रैपिडली नीचे की तरफ जा रहा है। और ये बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है, ये अपना ग्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। इवन आप बिगिनर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। तो चलिए हम देखते हैं कि ये अप्रोप्रिएट सिचुएशन हमारा आता है कि नहीं नेक्स्ट के लिए। सो दोस्तों फिर से हमारे पास एक बहुत अच्छा सिचुएशन है। यहाँ पे मैं ट्रेड अपना डिक्लाइन करूँगी, यहाँ पे ओपन करूँगी अपने ट्रेड डिक्लाइन में और हम देखते हैं कि ये खुद से काम करता है कि नहीं, इसको खुद से काम करने देते हैं। तो हमने बहुत ही अच्छा काम किया यहाँ पे दोस्तों। हम देख रहे हैं कि जो अपना प्राइस मूवमेंट है ये नीचे जा रहा है, स्टीडली जा रहा है और ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटेंशन देना पड़ेगा प्राइस मूवमेंट पे। जैसे कि आप देख रहे हैं हम कनेक्ट करते हैं अपने प्राइस रिवर्सल पॉइंट को और ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल दे रहा है। इस प्राइस से हमें दिखेगा प्राइस रिवर्स हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे ओपन नहीं करना है अपने प्राइस मूवमेंट के कारण। बट ये जो प्राइस रिवर्सल है ये आएगा आगे जाके अपने नेक्स्ट प्रॉफिट में। जैसा कि हम देख रहे हैं जो अपना RSI इंडिकेटर बता रहा है, हम ये भी नोटिस कर सकते हैं और कंफर्म करते हैं कि हम अपना ट्रेड ओपन करेंगे इस डिक्लाइन पे। चलिए अपने अमाउंट को हम चेंज करते हैं अपने डील के अकॉर्डिंग और कंटिन्यू करते हैं अपना ट्रेडिंग। इस केस में हम अज्यूम करते हैं कि हमारा प्राइस जो है वो रिवर्सल है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि बम्प हो रहा है, ये भी अच्छा सक्सेस है, एक अच्छा सक्सेस बम्प मिल रहा है हमें यहाँ पे। तो गाइज ऑलमोस्ट हमारे पास $30 हो गया है अपने बैलेंस में। मुझे बिलीव था कि ऑलरेडी हमारे पास एक अच्छा अमाउंट आ रहा है और इसको हम कंसिडर कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं, एस्केलेट कर सकते हैं अपने डिपॉजिट को बस $1 से। तो जैसा कि आपको मैंने दिखाया है ये बहुत छोटा अमाउंट है, यहाँ पे हम जो अपना मनी यूज़ किए हैं इस स्ट्रैटेजी में हम यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कर सकते हैं एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम में। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे इस केस में एग्जैक्टली ऊपर की साइड से क्यों ओपन किया। ये बहुत सिंपल है, मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ जो RSI इंडिकेटर है ये एप्लीकेबल, मतलब यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेट कर सकता है, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा, सही है, हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। तो इसीलिए इस इंडिकेटर को यहाँ पे इस तरीके से मैंने यूज़ किया और ये इसी कारण ये यहाँ पे काम कर रहा है। तो मैं जब देखती हूँ लाइन को, ये अप्रोच करता है अपने लोअर बाउंड्री को भी और अपर बाउंड्री को भी, और ये इसीलिए है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा आगे जाके ये रिवर्सल सिचुएशन में रहेगा। तो वेल दोस्तों हम देखते हैं कि ये जा चुका है, पहुँच चुका है इस लाइन पे और अपने आप को पुश कर रहा है इधर से, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है।
हम चेंज करेंगे अपने ट्रेडिंग अमाउंट को और कंटिन्यू करेंगे एक सुटेबल एंट्री सिचुएशंस के लिए। तो दोस्तों इस केस में मैं ऊपर की तरफ जाऊंगी और मैं ओपन करूंगी नीचे के साइड से। हमारे पास सिमिलर सिचुएशंस है जैसा कि लास्ट टाइम था, बट कोई बात नहीं, हमें अनफोल्डिंग वे में जाना है। तो वाओ दोस्तों, देखिए हम लोग फिर से अच्छे से तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट में हैं। ऑलरेडी हमारे पास $50 हो चुका है अपने बैलेंस में। हम यहाँ पे ये भी नोटिस कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू RSI इंडिकेटर ये जो लाइन है ये ऊपर के बाउंड्री पे जा चुकी है और ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। इसी तरीके से ये सुपर इंडिकेटर काम करता है, अपना स्ट्रैटेजी बहुत सही चीज़ काम कर रहा है, बहुत सही से काम कर रहा है। तो चलिए हमें कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों हमारे पास फिर से यहाँ पे एक अच्छा सिचुएशन है, बट हमें यहाँ पे रिलाई नहीं करना है बस इस इंडिकेटर पे, हमारे पास चार्ट मूवमेंट भी है। तो चलिए ट्रेड अपने आप काम करेगा। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने यहाँ पे क्यों नीचे की तरफ ओपन किया। तो दोस्तों हमारे पास बैलेंस में ऑलरेडी $100 हो रखा है। तो देखिए इस केस में हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन होना होगा, बहुत ध्यान देना होगा इस फैक्ट पे कि जो प्राइस है ये अप्रोच कर रहा है बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस केस में हमें रिलाई नहीं करना चाहिए इस इंडिकेटर पे। ये प्राइस नीचे जाएगा इस लाइन पे और इस RSI इंडिकेटर पे जो कि नीचे जा रहा है, और इस केस में हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने डील को लेके। तो चलिए इस अपॉर्चुनिटी को हम अर्न करते हैं, और हमारे पास ऑलरेडी $106 अपने बैलेंस अकाउंट में हो चुका है। तो चलिए उसको देखते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने सुटेबल सिचुएशंस को लेके। तो दोस्तों मैं अज्यूम करती हूँ कि हमारे पास जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा। तो चलिए ओपन करते हैं हम ऊपर और वेट करते हैं इस पोजिशन को इसके क्लोज में। तो दोस्तों देखिए हमारे पास एक दूसरा कॉलम आ चुका है जिसको हम जीत चुके हैं। तो चलिए इसे हम आगे बढ़ाते रहते हैं। हम यहाँ पे नोटिस करते हैं प्राइस ऑलरेडी बहुत अच्छा रैपिडली राइट डायरेक्शन में जा रहा है, और हम यहाँ पे दूसरे प्रॉफिट के साथ हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं जो अपना RSI इंडिकेटर है ये जो लाइन है नॉट ये जो नीचे की बाउंड्री पर नहीं जा रहा है, ये परफॉर्म करता है अपना रिवर्सल एंड जाता है नीचे डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। और हमारे पास क्या है, इस पर हम क्या रियलाइज कर सकते हैं, हम देखते हैं कि ये जो अपना चार्ट मूवमेंट है हम यहाँ पे रिलाई कर सकते हैं। तो गाइज आप देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत अच्छा NF सपोर्ट है जिसके कारण हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इस राइट डायरेक्शन में। हम चेंज करते हैं अपने अमाउंट को ऑलरेडी जो हमने चेंज कर सकते हैं, और हम कंटिन्यू करते हैं अपने सुटेबल करेंसी पेयर के साथ। तो दोस्तों हमारे पास अच्छा सिचुएशन है, हम ओपन करेंगे अपने ट्रेड को और यहाँ पे देखेंगे जो प्राइस है वो रिवर्सल है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। जो ट्रेड था वह जैसा प्लान किया था वो वैसा ही चल रहा है, बहुत सिंपल है ये, अपना स्ट्रैटेजी परफेक्टली काम किया है। इस इंडिकेटर को हम यहाँ पे ना छोड़ेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इस केस में हम रियलाइज़ करते हैं जो मूवमेंट हो रहा है अपना लाइन पे, ये RSI इंडिकेटर ये बता रहा है अपने मूवमेंट ऑफ चार्ट पे, और हम देखते हैं कि जो लाइन है वो नीचे जा रहा है, पुश कर रहा है अपर बाउंड्री पे, और देखते जो चार्ट है ये हमें नोटिस करता है कि यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है। तो इस प्राइस के बाद ये नीचे जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें ऑलवेज इस ट्रेड को ओपन करना चाहिए, और आप देखते हैं कि प्राइस ये रिवर्सल सिचुएशन में जाएगा और हमें फिर से अच्छे सिचुएशन एप्रोप्रिएट सिचुएशन को देखना होगा, उसको ढूंढना होगा। तो मैं यहाँ पे श्योर हूँ इस पॉइंट पे कि मैं इंटर कर सकती हूँ अपने ट्रेड को। तो चलिए ओपन करते हैं यहाँ पे इस डाउन साइड से और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों हमने स्मैश कर दिया यहाँ पे, सही चीज़ है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑलरेडी हमारे पास ऑलमोस्ट $1,000 हो चुका है अपने बैलेंस अकाउंट में। तो इस केस में हम रिलाई करेंगे अपने RSI इंडिकेटर पे और देख रहे हैं कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं हैमर, और ये जो है ना ये बस इसी तरीके से दिखता है। इसके बाद हम प्राइस को देखेंगे कि राइट डायरेक्शन में जा रहा है और हमें इससे अपॉर्चुनिटी चाहिए ताकि हम इस पर पैसा बना सकें, और यहाँ पे हमें ग्रेट रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए हम अपने अमाउंट को चेंज करते हैं अपने डील के अकॉर्डिंग और कुछ दूसरा सिचुएशन देखते हैं। तो दोस्तों देखिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो प्राइस मूवमेंट है वो शार्पली ऊपर की तरफ जा रहा है, और स्टिल ये अनक्लियर सिचुएशन है। इस डायरेक्शन में प्राइस आगे जाएगा फर्दर इन फ्यूचर, और फिर ये रिवर्सल रहेगा कब तक,
जब तक ये ट्रेड है, तो मैं अज्यूम क्या कर रही हूँ कि मुझे जाना चाहिए इस रिवर्सल के साथ। और हाँ, हम देख रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि अपना ये जो डील है इसको मैं ओपन करूंगी छोटे अमाउंट के साथ, क्योंकि ये सिचुएशन जो है वो एग्जैक्टली मैं इसके लिए श्योर नहीं हो सकती। जैसा कि मैं देख रही हूँ यहाँ, जो मैंने अजम्पशन क्रिएट किया था, इसने मुझे नीचे नहीं, निराशा नहीं किया मुझे, तो मेरे पास ऑलरेडी दूसरा प्रॉफिट है इस करेंसी पेयर के साथ। तो इस केस में मेरे पास बहुत वेरी शार्पली अपवर्ड प्राइस मूवमेंट दिख रहा है, प्राइस आगे ऊपर की तरफ जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पर जो ब्रेक हो रहा है रेजिस्टेंस लेवल का, ये फर्दर ऊपर जाएगा, बट जो भी है ये बहुत ही ज़्यादा स्मूदली जा रहा है। तो चलिए, जैसा कि ऐसा हम जानते हैं, ये ट्रेड अपना जैसे कि प्लान्ड किया गया था, हम अपना प्रॉफिट यहाँ पे लेते हैं। बट हमें यहाँ पे एडवाइस करना होगा बिगनर्स के लिए, जो शुरुआत से शुरू करते हैं ट्रेड करना, उनको हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि यहाँ पे ये ओपन ये फुल अमाउंट में ना करें, वहाँ पे कुछ कुछ अनयूजुअल सिचुएशन आ सकता है बिगनर्स के लिए। तो चलिए, मैं ओपन करती हूँ अपने ट्रेड को, फॉर एग्जांपल $500 से। चलिए हम दूसरा अच्छा सिचुएशन देखते हैं जो अपना सुटेबल हो अपने अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, प्राइस ऑलरेडी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम सेम डायरेक्शन में ओपन करेंगे। तो गाइज, हम श्योर थे इस केस को लेके, हम अपना दूसरा प्रॉफिट लेते हैं और हम देखते हैं कि बहुत ये अच्छा सिचुएशन था। देखिए, कॉन्फिडेंटली अपना जो स्ट्रैटेजी है और जो अपना RSI इंडिकेटर है वो काम किया, ठीक है। इस लाइन पे ये रैपिडली ऊपर जा रहा था और हमें अपॉर्चुनिटी दिया ये, ताकि हम अपना प्रॉफिट कमा सकें, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो मेरे दोस्तों, हम जनरली यहाँ पर रुक सकते हैं, हमने ऑलरेडी अच्छा कमा रखा है, हमारे बैलेंस में $1,000 हो चुका है। इसको हम कंसिडर करेंगे अपने मैक्सिमम चीज़ को और डिपॉजिट करेंगे अपना, जो कि ऑलरेडी हमने डिपॉजिट किया था $1 से। तो मैं सोचती हूँ कि ये एक्सेलेंट रिजल्ट है मेरे लिए, और आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी, आप कैसे स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, कौन से इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। आप प्लीज़ जाइए गाइस, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ आज आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और जो आप प्लीज़ फॉरगेट मने भूलिए मत, जो भी लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे, उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए। और फिर से मैं आपको वापस से मिलूँगी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।